खरगोन जिले में इन दिनों नर्मदा नदी उफान पर है और लोग नर्मदा नदी के आसपास सेल्फी लेने से बाज नहीं आ रहे हैं। ताजा मामला है खरगोन जिले का, जहां नर्मदा पुल पर सेल्फी लेते समय 15 वर्षीय छात्रा वंदना पिता राजेश यादव का अचानक संतुलन बिगड़ गया और वह नर्मदा में जा गिरी, जिससे उसकी मौत हो गई। भिकनगांव तहसील के ग्राम देवला की छात्रा वंदना अपने भाई लोकेश के साथ मंडलेश्वर कपड़े खरीदने गई थी। वहां से वापस लौटते समय हादसा हो गया। 15 दिन में हुई दो मौत के बाद जिला कलेक्टर गोपाल चंद्र दाट ने ऐसी दुर्घटनाओं में रोकथाम के लिए धारा 144 के तहत सेल्फी लेने पर प्रतिबंध लगाया है। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। पूजा तो नहीं कर रही थी वो और उनका भाई मंडलेश्वर कुछ कपड़े खरीदने गए थे, वहाँ से लौट रहे थे, चने खरीद लाए थे जो नर्मदा नदी में डाल रहे थे शायद मछलियों के लिए। और अभी बहुत बारिश से क्या है कि सभी वो चिकने हो गए, काई वगैरह लग गई है, तो उससे अनबैलेंस होकर वो बाइका नर्मदा नदी में गिर गई। गुम इंसान जो है इसके लिए कसराबा थाने में दर्ज किया गया है और उनकी खोज की जा रही है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।